हेलो गाइस, दिस इज नाइर उस्मान और आप देख रहे हैं यू एन आर डिजाइन। तो आज एक न्यू प्रिंट बनाने वाले हैं हम, और आई होप कि ये प्रिंट आपको ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये थोड़ा सा समर के हिसाब से थोड़ा सा मैं इसे डार्क में बनाऊंगी, और या आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। जिसके लिए मैंने ऑलरेडी जो अपना फ्लावर है उसे सिलेक्ट करके रखा हुआ है, उसकी हाई रेजोल्यूशन सब कुछ फिक्स करके। तो देन हम फाइल के मेनू में जाएंगे, देन न्यू पे जाएंगे, और यहाँ पे हम पिक्सेल्स में अपना साइज देंगे, विड्थ एंड हाइट 1000। ओके, देन हम इसे क्रिएट कर देंगे। बैकग्राउंड लेयर को हम कर देंगे अनलॉक, कंट्रोल टी करके हम इसका सेंटर मालूम कर देंगे। सेंटर इसका मालूम करने के बाद हम अपने मोटिव को डायरेक्ट यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट लेके आने के बाद हम इसका कंट्रोल टी करके हम इसके साइज को फिक्स करेंगे अपने डिजाइन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कंट्रोल टी करके इसका भी हम सेंटर पता कर लेंगे। ओके, कंट्रोल जे करेंगे, लेयर वन को हम हाइड कर देंगे। फिल्टर में जाके, अदर पे जाके, ऑफसेट पे जाके हम इसे 500+। ओके, देन फिक्स। ये हमारा मोटिव चार तरफ बिल्कुल तकरीबन सही से फिक्स हो गया है, और ये जो सेकंड हमारा मोटिव था ये भी। ओके, बैकग्राउंड लेयर को करेंगे हम अभी कुछ देर के लिए हाइट, और यहाँ पे एडिट में जाके हम इसे डिफाइन पैटर्न कर देंगे। सॉरी, ये ब्रश बन गया, डिफाइन पैटर्न बनाना है हमें, ब्रश नहीं। कोई सा भी नाम दे देंगे हम इसे। और यहाँ पे अगेन हम फाइल में जाएंगे, और यहाँ पे हम A4 साइज का पेज ले लेंगे। इसे हम करेंगे अनलोड, और इसको कंट्रोल जे करके इसके एक लेयर को दो दफा हम क्लिक करेंगे, तो ये लेयर स्टाइल का बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ पे पैटर्न ओवरले के ऑप्शन में जाके हमने जो पैटर्न बनाया था वो हमारा ये रहा। इसे कर देंगे हम ओके। तो ये जनाब, ये हमने जो पैटर्न बनाया था वो ये है। ठीक है, काफी प्यारा पैटर्न बना है, लेकिन हमें ये पैटर्न वाइट कलर में नहीं चाहिए, तो हम इसका बैकग्राउंड अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज करेंगे। ये कलर बॉक्स है, जिसमें मैंने ब्लू कलर को ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है, और यही हम इसका बैकग्राउंड बनाएंगे। पेन बकेट टूल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आके एक दफा क्लिक कर देंगे। तो ये देखें, इसका कलर चेंज हो चुका है, और यही कलर हमें अपने कुर्ती के डिजाइन में चाहिए। ठीक है, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा डिजाइन तकरीबन कंप्लीट बन चुका है। अब हम अपने डिजाइन का नीचे बॉर्डर बनाएंगे। एक और लेयर ले लेंगे हम, सिलेक्शन टूल की मदद से हम एक बॉक्स बनाएंगे, और यहाँ पे हम पेन बकेट टूल से कलर सेलेक्ट कर लेंगे कि हमने इसके बैकग्राउंड में क्या कलर रखना है। तो चलें, ओके, मैंने ये कलर रखा। कंट्रोल डी करेंगे, एक और मोटिव सेलेक्ट करके हमने ऑलरेडी रखा है उसे हम डायरेक्ट यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, इसकी साइज को हम अपने हिसाब से फिक्स करेंगे, और इस मोटिव को हम नीचे लेके आएंगे, और भी इसका साइज हम थोड़ा सा और छोटा कर देंगे। तो फाइनल कंट्रोल जे कंट्रोल टी करके हम इसका इसकी ही रिपीट हम अगेन लगाएंगे, ताकि ये हमारा बॉर्डर फिक्स हो जाए, और फिर अगेन इसकी एक और रिपीट बना के देन हम इसे इस साइड पे, राइट साइड पे,
ओके, ये फिक्स हो गया, हमारा बॉर्डर तकरीबन बन गया है। अब जीरो लेयर पे आके हम कंट्रोल डी करके इसका शर्ट का जो है वो हम सेंटर मालूम कर लेंगे। ओके, ये जो हमारा बॉर्डर है इसे हम कंट्रोल डी करके ऐसे नीचे लेके आ जाएंगे और हम सही ये हमारा देखें तकरीबन शर्ट का बॉर्डर बन के रेडी हो गया है। इसे हम थोड़ा सा स्ट्रोक दे देंगे, वाइट कलर में नहीं दे रहे हम इसे, थोड़ा सा डार्क डार्क। ओके, स्ट्रोक का थोड़ा सा ये हम साइज छोटा कर देंगे। ओके, इस लेयर को इसका आई थिंक कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा है, इसके कलर को हम मैनेज करेंगे। पर्पल कलर इस काफ़ी बेटर लग रहा है तो हम इसे ओके कर देंगे। तो ये देखें, ये हमारा कुर्ती का तकरीबन कंप्लीट डिज़ाइन बन गया है। ठीक है, हम इसे क्रॉप कर देंगे, इसके जो एक्स्ट्रा मोटिव है। ओके, तो ये देखें, ये कुर्ती का तकरीबन कंप्लीट डिज़ाइन बन चुका है। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम नाहिद उस्मान है और आप देख रहे हैं यू एन आर डिज़ाइन। अल्लाह हाफिज़।